थार नगरी में शनिवार रात्रि और रविवार शाम को आए भीषण तूफान व तेज धूल भरी आंधियों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज धूल भरे तूफान व बारिश के कारण कई जगहों पर कच्चे मकानों की दीवारें गिर गई तो कई गांवों में झोपे व छप्पर उड़ गए। तेज हवाओं के कारण कई लोग घायल भी हुए। रविवार शाम को एकाएक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान थार नगरी में ओले भी गिरे। थार का मरुस्थल एक बार फिर मौसम की मार झेल रहा है। भीषण गर्मी के बाद पिछले 3 दिनों से बाड़मेर जिला तेज धूल भरी आंधियों की चपेट में है। इसके साथ ही शनिवार रात्रि और रविवार शाम को आए तेज धूल भरे आंधियों के साथ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शनिवार रात करीब 11 बजे तेज धूल भरी आंधियों का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 1 घंटे तक चली आंधियों के कारण जहां जिला मुख्यालय पर रेत के गुब्बार उड़ते दिखाई दिए तो शहर के आसपास और बायतू बालोत्रा और शिव क्षेत्र में बारिश हुई। तेज हवा और बारिश के कारण कई घरों के टिन छप्पर उड़ गए तो कई जगह कच्चे मकानों की दीवारें धराशायी हो गई। इसके अलावा कई जगह पेड़ गिर गए तो कई जगह डिस्कॉम के पोल और तार टूट गए। शनिवार रात को तेज आंधियों और बारिश के कारण कई लोग घायल भी हो गए। ये तूफान में हादसा हुआ, एकदम बार आते थम्बा गिर गया। थम्बा मतलब मकान की दीवार गिर गई और इसका पैर है दो भाग हो गए। ये एम्बुलेंस 108 के द्वारा चोटें बहुत आई है, पैर टूट गया, मतलब उसकी नच भी काम नहीं कर रही। शनिवार रात को जहां तेज आंधी और बारिश ने तबाही मचाई, वहीं रविवार सुबह मौसम एकदम साफ रहा। दोपहर में गर्मी के तेवर तीखे दिखे तो शाम 4 बजे एकाएक मौसम ने करवट ली। शाम करीब 5 बजे तेज आंधियों का दौर शुरू हो गया। हवा का वेग इस कदर तेज था कि कई स्थानों पर टिन शेड और बैनर होर्डिंग उड़ गए तो शहर के कई इलाकों में पेड़ भी गिर गए। तेज हवाओं के बाद थार नगरी में बादलों की तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान कई स्थानों पर ओले भी गिरे। रविवार शाम को ही मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में मौसम की अनियमितता के चलते आमजन को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार शाम को बाड़मेर बायतू और शिव क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। शिव में बारिश व ओलावृष्टि के चलते कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ तो कई स्थानों पर कच्चे मकान ढह गए।